दोस्तों ये है BMW की तरफ से आने वाली G310 RR। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, वेलकम टू बाइक वाले बाबा। और आज इस बाइक के बारे में एक डिटेल वर्कराउंड रिव्यू करेंगे कि इस बाइक में वेरिएंट कितने आते हैं, कलर ऑप्शन कितने आपको मिलते हैं और प्राइसिंग क्या होने वाली है और फीचर्स क्या मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेरिएंट से शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो इसमें एक ही वेरिएंट आता है, एक नेकेड आता है, एक फेयरिंग वाली आती है और एक नेकेड वाली आती है। ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे ये फेयरिंग वाली है, फुली फेयरिंग में आपको मिलती है और इसमें तीन कलर आते हैं। एक तो ये हो जाता है ये मेटेलिक ब्लैक, एक आपका व्हाइट मिलता है, एक कॉस्मिक ब्लैक मिलता है। अब कलर ऑप्शन के साथ साथ प्राइस भी आपकी अलग अलग हो जाती है। अगर एक्सोरूम प्राइस की बात करें 3,05,000 रुपये से शुरू होती है और जाती है 3,19,000 यानी 3,19,000 रुपये। उसके बाद अगर ऑनरोड प्राइस की बात करें तो 3,60,000 रुपये से लेके 3,75,000 रुपये तक जाती है। अब ये दो कलर में डिफरेंस है, इसके प्राइसिंग भी अलग अलग आपको मिलेंगे। फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं, आपको क्या कुछ मिलता है इस बाइक में। तो देखो जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED का सेटअप मिल जाता है, दो मिलते हैं, एक इधर एक इधर। इसके DRL ऑन हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट आपको विंड स्क्रीन मिलती है और मिरर की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है यहाँ पे और रेडियल टायर है। टायर की ग्रिप वगैरह आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो डायमंड कट आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे, गोल्डन कलर के साथ में USD4 आपको मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा रेडिएटर लगा हुआ है। उसके बाद डिस्क साइज देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी डिस्क साइज देखने को मिलती है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 320mm की डिस्क साइज मिलती है, बाइब्रे कंपनी के ब्रेक कैलिपर मिलेंगे, डुअल चैनल ABS इस बाइक में स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है। इंडिकेटर देखोगे ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे हैं और ये LED के साथ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो इसके फेयरिंग पे, तो फेयरिंग आप देख लो यहाँ पे BMW मोटोरा लिखा हुआ है, RR यहाँ पे देख सकते हो। ये लोगो ही काफ़ी है यार, समझ रहे हो ना, BMW का लोगो ही काफ़ी है, चाहे भाई कार हो और चाहे भाई बाइक हो, तो इसका लोगो ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खास है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच, ये देखो हैजर्ड का स्विच, इसके बाद यहाँ पे पास। अभी ये आप जो बटन देख पा रहे होगे ना, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट कंसोल को। आगे मैं इसको बताऊंगा इसमें क्या कुछ मिलता है। अब अगर इस बाइक की बात करते हैं, देखो सेम बाइक है लेकिन फेयरिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अलग लगेगी। ये जो वाइट कलर है ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पे देखिए रेस की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी G310 RR BMW का यहाँ पे मिलेगा भाई। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है, 180mm का मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिल रहा है, इस बाइक में आपको मिनी स्टैंड नहीं मिलता भाई, जितनी भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक आती हैं। ये फ्रेम देख रहे हो ना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खास है। पीछे में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे, चैन सेट देख लो कवर किया गया है लेकिन कितना ज़्यादा प्यारा है। पीछे में आपको जो डिस्क साइज मिलती है, मैं दिखा दूँ आपको, पीछे में आपको डिस्क साइज मिल जाती है 280mm का और यहाँ पे डुअल चैनल ABS मिलता है। पीछे में आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर मिलता है, 150x60 सेक्शन का, 17 इंच के आपको व्हील्स देखने को मिल जाएंगे डायमंड कट में। टायर हगर है, ये देखो कितना ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद ये रियर ग्रेप, इसे पकड़ के पिलियन आसानी से बैठ सकता है। अब यहाँ देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तो कंसोल अगर आप देखोगे तो ये देखिए, जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा और अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है यार। यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड क्या दिखाई, आप देखो इसकी स्पीड यहाँ पे शो हो रही है, ये देखना 198, लेकिन ये इसकी जो स्पीड है ना, ये स्पीड आपको देगी 160 km/h की, ये रियली में टेस्टेड है। उसके बाद क्या मिलता है देखो, ऊपर सारी आपको लाइटें मिल जाएंगी, जितनी भी इंडिकेटर की है, फ्यूल की है, ये सारी लाइटें मिल जाएंगी। उसके बाद गियर इंडिकेशन पोजीशन बताएगा, टॉप स्पीड बताएगा, कूलेंट टेम्परेचर बताएगा, ऑडोमीटर, फ्यूल रेंज, ये सारी चीज़ें बताएगा, लो फ्यूल वार्निंग, किल स्विच, साइड स्टैंड की लाइट वगैरह सब बताएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बटन मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑपरेट करने के लिए। ये देखिए सेट का बटन दबाओगे आप तो देखो राइड मोड आ गया। अब राइड मोड में क्या है, आप इसको सेट करोगे, जैसे देखो यहाँ पे अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, ये चार मोड हो जाते हैं, ये मिलेंगे। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको ये वाला स्विच प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आप ट्रिप मीटर वगैरह की डिटेल सारी चेकआउट कर पाओगे, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी। उसके बाद माई व्हीकल्स का ऑप्शन है, इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी शो करेगा, कितने किलोमीटर पर सर्विस होनी है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, रियल माइलेज टेस्ट चेक कर सकते हो, स्पीड कितने गए हो वो चेक कर सकते हो, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर स्टार्ट का आपको बटन मिल जाता है। अब इसके वजन की बात करते हैं तो 160 किलो का इसका वेट है और अपने वेट के हिसाब से, अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। प्राइजिंग यार, एक टाइम था जब BMW की बाइक लोग खरीदने को कहते थे यार कि बहुत ज़्यादा प्राइज है, लेकिन आज के डेट में यार 3,60,000 से लेके 3,70,000-75,000 तक मिल जाती है फुली फेयरिंग वाली बाइक। और लेकिन अगर आप नेकेड वाली जाते हो तो 3,40,000 से लेके 3,50,000 तक आपको मिल जाएगी।
पर इस समय नेकेड वाली बाइक पे डिस्काउंट भी चल रहा है और इस बाइक को आप फाइनेंस भी करा सकते हो करीब 40 से 45 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट देके, अगर आपकी सिविल ठीक ठाक है। अगर सिविल थोड़ा सा गड़बड़ है तो आपको डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। और ROI के परसेंटेज जो चार्ज होते हैं आपकी कंडीशन पे चार्जेस होते हैं कि आपका प्रोफाइल कैसा है, सिविल कैसी है, आप क्या करते हो, तो 8% से लेके आपको 12% की ROI चार्ज की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। अब इसकी जो सीट हाइट आपको मिलती है 811 mm की मिलती है, यानी 811 mm की। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको 11 लीटर की मिलती है, E20 को सपोर्ट भी करता है। और इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको करीब दे देगी 33 से लेके 35 किलोमीटर की आपको माइलेज दे देगी, तो आपको माइलेज भी अच्छी खासी मिल जाती है अगर BMW के हिसाब से बाइक देखें तो। तो इस बाइक के बारे में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उस सवाल का मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।